आगे देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। महादेवी वर्मा देश के युवकों को संबोधित करती हुई कहती हैं, या प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के बंधन शीघ्र ही पिघल जाने वाले, जो स्थिर नहीं अस्थिर किंतु सजीले आकर्षक ये सांसारिक बंधन तुझे बांध कर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे क्या? अरे ये जो संसार के जो बंधन है, ये मोम के बंधन जैसे जरूर हैं, लेकिन ये बहुत ही सजीले हैं, आकर्षक हैं, और यही बंधन क्या तुझे बांध करके रहेंगे क्या? और तू अपने साधना पथ पर इन बंधनों से विचलित, बंधनों के कारण विचलित हो जाएगा क्या? ये प्रश्न कर रही है युवकों से, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले हैं, यहाँ क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान ये रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे क्या? कहने का मतलब ये संसार रंगीन है, और इस रंगीन संसार में तुम फंस करके कहीं साधना पथ से विचलित तो नहीं हो जाओगे? आगे देखिए, महादेवी वर्मा बड़े खुले शब्दों में कह रही, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। यहाँ पर मधुप माने भंवरा, तो यहाँ पर आगे महादेवी वर्मा कहती हैं, क्या भंवरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन, यानी संसार का रोना पीटना है ना, करुणा भरे स्वर में जो रुदन होता, रो रहा जो संसार, सुनने में तुम्हें रोक सकेगी? और डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य सुंदरता तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा? अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करते हुए वे छाया मात्र हैं, है ना, वे कहते हैं कि तू अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना, तू ने अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना, कारा माने जेल। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करते हुए वे कहती हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव ये है, मतलब ये है कि संसार के अनेक प्रकार के आकर्षण वो तुम्हारी ओर जो खींचेंगे वो छाया मात्र हैं, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में है फंसकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कहीं भूल मत जाना। और जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा कहती है कि हे प्राण तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, तथा साधना मार्ग में जो है अपने साधना मार्ग से विचलित नहीं होना है, है और आलस भी नहीं करना। तो मोम के बंधन हो, या तितलियों के पर रंगीले हो, या विश्व का रोना पीटना हो, या फूल के दल ओस गीले हो, तू अपनी छाया को अपने लिए जेल मत बनाना, अपने साधना पथ से विचलित मत होना। महादेवी वर्मा ने ओजमयी भाषा में अपने प्राणों को उद्बोधित किया है, भाषा के प्रतीकात्मक रूप के साथ ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास, रस श्रृंगार तथा शांत शब्द शक्त लक्षणा और गुण बच्चों यहाँ माधुर्य है। ये मोम के बंधन और तितलियों के ये जो आकर्षण है संसार का, इसी से बच्चे भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को नहीं पाते हैं। हैं, कोई प्रेमिका के बंधन में फंस जाता है, कोई परिवार के बंधन में फंस जाता है, इन बंधनों से हट करके अपने साधना पथ पर आगे चलो, यह महादेवी वर्मा यही हमें जो है उद्बोधित कर रहे हैं। और हमें लक्ष्य पाने के लिए ये सब करना पड़ता है, हमें इनके अनुसार चलना पड़ेगा। धन्यवाद। अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो। हम रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पढ़ाएंगे और वीडियो बना करके आप तक भेजेंगे, इसलिए सब्सक्राइब लाइक कर दो। धन्यवाद।